पीर मजार रीजन में हमेशा जो है इसको फेस्टिवल की तरह जैसे ईद दिवाली जो है वैसे मनाया जाता है। तो यहाँ के लोग राइट अवे फ्रॉम 1950 यहाँ के लोग हमेशा जो है उन्होंने इलेक्टोरल यहाँ पर मसल्स को हमेशा स्ट्रांग किया है। और जहाँ तक बात है वोटिंग की तो इज माई ग्रैंड फादर अब्दुल हमीद शाह साहब उन्होंने मतलब 15 किलोमीटर ट्रेवल करके यहाँ आए हैं। तो हमारे नौजवानों को क्या एक्सक्यूज है? तो जैसे हमने देखा कश्मीर में भी इस बार टर्न आउट जो है 60% अबव हुआ है। ये दर्शाता है कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप्स जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो जो है स्टैंडर्ड हो रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे जो डेमोक्रेटिक हमारी रेमेडीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो है राइट टू वोट का हमें एक्सेस दिया है इसको हमें अवेल करना चाहिए। इससे ज्यादा मैं थैंकफुल हूँ आप सब मीडिया फ्रेटर्निटी का। ये चीज़ आज बताना चाहता हूँ कि जो ये जो वोट का दिन होता है स्पेशली जैसे जितनी लोगों में ईद की खुशी होती है मैं अपने घर से देख पा रहा था सुबह 6 बजे के लोग आके लाइनों में लगे हुए। और ये वोट ये एक राइट है ये हमारा ये बड़ी मुश्किलों से मिला है। अगर हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो ये बड़ी मुश्किलों से एक राइट जो है ये आम आदमी को ये राइट मिला है वोट डालने का वोट कास्ट करने का। मेरी आपके चैनल के विसादत से तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि वोट अपना डालें और जरूरी डालें। हर एक की अपनी सोच है अपनी जगह पर अपने विजन पर वोट डालेगा अपनी मर्जी पर हर एक बंदा वोट डालेगा। रहा जहां तक 370 का मसला जब से 370 खत्म हुआ है पहली बार देखने को मिला है कश्मीर में भी इतनी ज्यादा वोटिंग जहां तक हमने सुना है कि देखा भी है बहुत ज्यादा वोटिंग कश्मीर में भी हो रही है और यहां तो पहले से वोटिंग होती थी। और मुझे लगता है कि इस बार वोट लोग जो है चेंज के लिए वोट देंगे जरूर जी। ये एक बहुत बड़ी लंबी डिबेट है अगर सोचा जाए तो हिता पीर पंजाल को स्पेशली जिस तरीके से अनंतनाग के साथ लगाया और उसके बाद आज आप देखो कि हमारा यहां का स्पेशली कोई कैंडिडेट नहीं है। अभी मैडम महबूबा मुफ्ती लड़